अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर में जेनियन विंडो जो है वो किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए। अब आपके पास लैपटॉप्स होंगे, लैपटॉप्स पे आपने विंडोज़ की जो है, जो लैपटॉप के साथ विंडो आती है उसकी की जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका यह है कि आप वेबसाइट जो आपकी सॉरी लैपटॉप है उसकी जो बॉटम साइड है वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर स्टिकर्स लगे नज़र आएंगे। तो वहाँ पर आप वो स्टिकर चेक करेंगे, वहाँ पर आपको एक विंडोज़ का स्टिकर जो है वो मिल जाएगा और उसके ऊपर उन्होंने विंडोज़ के स्पेसिफिक वर्जन की प्रोडक्ट की जो है वो लिखी होगी। तो ये इमेज में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की जो है यहाँ पर दी गई है विंडोज़ 7 की। तो आपने अब यहाँ से की जो है आपको मिल गई। इसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जो विंडो आपने डाउनलोड करनी है वो यहाँ पर लिखेंगे, विंडोज़ 7 में करूँगा। तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ले जाएगा। ओके, देखिए ये डाउनलोड विंडोज़ 7 डिस्क इमेजेस ISO फाइल्स। तो हम ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से विंडोज़ 7 जो है वो डाउनलोड करेंगे और इसको फिर फर्दर आगे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो स्टार्ट करने से पहले वो कहते हैं कि जी आपके पास प्रोडक्ट की होना लाजमी है। प्रोडक्ट की हमने इसकी ढूंढ ली है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की जो है वो एंटर करनी है सर्च बॉक्स में। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट की है वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एक मिनट, ये यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की जो एंटर कर दी है। उसके बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। ये कुछ टाइम लेगा वेरीफाई करने में प्रोडक्ट की को। ओके जी, अब ये उसने वेरीफाई कर ली है। ये मैसेज ने यहाँ पर हमें प्रिंट करवा दिया है, द प्रोडक्ट इज एलिजिबल फॉर विंडोज़ 7 प्रोफेशनल सर्विस पैक 1 COEM। और उसके बाद आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपने इसका ये वर्जन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आपको 64 बिट डाउनलोड करनी है, यहाँ 32 बिट, तो मैं 64 बिट डाउनलोड करूँगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और ये देखिए इसने ISO फाइल जो है हमें यहाँ पर 3.09 GB की जो है वो दे दी। इसको आप डाउनलोड करके फिर आगे इंस्टॉलेशन जो है इसकी स्टार्ट कर लेंगे। इंस्टॉलेशन के दौरान में अगर वो प्रोडक्ट की मांगता है तो आपने वही प्रोडक्ट की इसको देनी है जो हमने यहाँ पर अभी पहले विंडो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर प्रोवाइड की थी। तो इस तरीके से आप जो है अपने लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में विंडोज़ जो है वो जेन्युइन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले वो जो कंप्यूटर के साथ स्टिकर आता है वो आपको फाइंड आउट कर लेना है। और वहाँ से की लेने के बाद आपने फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से सर्च करके और इंस्टॉल कर लेना है।